हर बार पहले बोलता हाँ मैं तो आई जाऊंगा, मैं कहाँ दे दूंगा, शॉर्ट करवाता लोग क्या रखते हो, इसलिए दलाली करते हैं कुछ खुशी सर खुशी कहते ठीक है भाई बैठ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। दिस इज योर होस्ट कुमार मानिक और हम लोग वापस आ चुके हैं विद द सेम गेम, हाउ वेल डू दे नो इच अदर। पहले जो पिछला एपिसोड था उसमें मैंने किया था हाउ वेल डज अंशुल नोज मी, तो इस बार मैं लेके आया हूँ रजत माने और पीयूष बेड़ेकर, और मैं आज देखने वाला हूँ कि ये दोनों एक दूसरे को कितना अच्छा जानते हैं। ओके, तो आज भी रूल्स लास्ट टाइम जैसे होने वाले हैं, थोड़े से कुछ चेंजेस हैं। आज चेंजेस ये रहेगा कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो जैसे रजत का जो फेवरेट कलर है वो पीयूष को बताना पड़ेगा और पीयूष का जो है वो इसको बताना पड़ेगा, और पॉइंट्स भी इसी बेसिस पे मिलेंगे कि इसका जो आंसर है अगर उसने सही दिया तो ये बताया क्या वो आंसर सच में सही था या नहीं। और ऐसे ही टोटल 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दोनों से पूछना चाहूंगा, तू ये बता तू कितना कॉन्फिडेंट है कि इससे 10 में से कितने तू आंसर दे देगा इसके बारे में। एक या दो इतना नहीं यार, इतना खराब तो नहीं, इतना सालों की दोस्ती है, इतनी अच्छी दोस्ती है, पर इतना जज ही नहीं कर रहा, देखा ही नहीं अच्छे से। ये चीजें टाइम स्पेंड करते हो, ऑब्जर्व करते होगे ना एक दूसरे को, मतलब हो भी सकता है, क्वेश्चन अभी पता नहीं है मुझे, कुछ भी हो सकता है। तुक्के बाजी में भी एक रैंडम गेस दे कितने बता देगा। पांच तो तू बता। पांच पक्का? अरे तुक्का। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट एक्सरसाइज और मसल ग्रुप टू ट्रेन इन द जिम? तू पहले इसका बता कि इसकी फेवरेट मसल ग्रुप क्या है, ट्रेन करने में इसको सबसे ज्यादा मजा आता है जिम में। बैक। हां, एक ही अटेम्प्ट मिलेगा, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं दूंगा। हां बैक फाइनल आंसर। हां बैक। पहले तू इसका बता क्या है तेरे हिसाब से। इसका बैक और शोल्डर। बैक और शोल्डर है सही। इसने तो तेरा आंसर दिया सही है, बैक गलत है। उसने जो दिया लेकिन वो सही है। सही है, बैक और शोल्डर तेरा फेवरेट है क्योंकि मेरा पंप जल्दी आता है, इसलिए ऐसा लगता है मुझे। ऐसा मुझे लगता है, छोटी मसल जल्दी शोल्डर पे जाता है ना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तेरे हो चुके एक पॉइंट और इसके हो चुके जीरो पॉइंट। पांच भी नहीं दे पाएगा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ यू कुड मीट एनी वन सेलिब्रिटी, हु वुड इट बी? किसी भी सेलिब्रिटी से तू मिल सकता है, अगर इसका बता ये किससे मिल पाए, मिलना पसंद करेगा? ये तो मुझे ही पता है यार, विराट कोहली। हाँ यार, वैसा बता मुझसे ट्रायल एंड एरर क्या कर रहा है। हाँ, विराट कोहली। विराट कोहली, तू इसका बता। विराट कोहली। विराट कोहली सही है इसका। सही है, और तेरा सही है। सही है। थोड़ा सा आसान था लेकिन हाँ। मुझे लगा इसका पता कृष्णा विष्णु को चले उसको तो देख लिया। चलो ठीक है, दो क्वेश्चन हो चुके हैं, इसके दो पॉइंट हो चुके हैं लेकिन इसका एक ही पॉइंट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। What is the first thing you order whenever you go out? कभी भी बाहर जाते हो कुछ खाने, कैफे वगैरह पे, तो सबसे पहले ये क्या ऑर्डर करता है? और तू पहले बता इसका क्या ये सबसे पहले ऑर्डर करता है? यूजुअली पिज्जा। पिज्जा स्पेसिफिकली? क्या, कौन सा पिज्जा या फिर हर बार रैंडम? नहीं नहीं, रैंडम बिल्कुल, जो मेन्यू मिलते हैं, जो पहले मिल जाए। ठीक है, इसका बता। कुछ कुछ सोच रहे हैं भाई, बहुत ज्यादा रैंडम रहता है, मुझे कुछ पता नहीं पता है, हर बार कुछ नया ट्राई करते हैं, तो ये मेरे को नहीं लगता। फिर भी एक ऐसा जो मोस्टली ऑर्डर करता है, अल्फ्रेडो व्हाइट सॉस पास्ता, मतलब सही है इसका आंसर, मतलब हाँ ठीक है सर, कंपेयर हर बार कुछ नया ही आता है, क्योंकि हम लोग हमेशा अलग करते हैं, एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते हैं, गो टू चॉइस ठीक है अल्फ्रेडो। अल्फ्रेडो और इसका पिज्जा सही है। हाँ सही है, क्योंकि मैं कुछ भी नया ही ट्राई करता हूँ, तो सही है। ठीक है ठीक है, तीन क्वेश्चन हो चुके हैं, उसके तीन पॉइंट हो गए हैं और इसके दो है। क्या लगता है इसको हरा पाएगा तू अभी या फिर मैच कर पाएगा? मैच तो नहीं, मैं आगे ही निकलूंगा इतना पता है। पक्का? मतलब तुझे लग रहा है एक दो गलत बताने वाला है तेरे? हाँ अभी हो सकता है। चलो ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं अपन। व्हाट इज योर ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन? अरे कभी तो ऐसी बात हुई होगी कि यार भाई अपने पैसा आ जाएगा तो यहाँ घूमने चलेंगे, यार वहां चलेंगे, मतलब मैं इसका बता सकता हूँ, मेरा नहीं बता सकता। हाँ फिर भी चल, एग्जैक्टली स्पेसिफिक नहीं लेकिन कुछ थोड़ा बहुत तो उस हिसाब से पॉइंट। अरे ट्रैवल, ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन इंडिया में ही रह जाएगा क्या? फिर तो मेरा मतलब बहुत मुश्किल है। चल तू इसका बता दे। होगा, हो सकता है दो चार जगह, कुछ एक बता दे थोड़ा। मनाली। मनाली, अरे ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन। हाँ मनाली, एकदम ड्रीम ट्रैवल डेस्टिनेशन। ड्रीम बड़ा नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ इसके ड्रीम बड़ा नहीं है। चल तू इसका बता, कुछ इसने ऐसा कहीं बोला होगा कि यार अपन कहीं घूमने चलेंगे। मैं ये सब नहीं बताता, वही तो दिक्कत है। डेस्टिनेशन यूके होगा, यूके हो सकता है, होगा होगा, वही चल रहा है अभी तो। नहीं वही चल रहा है, फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर है तेरा भी मनाली। मनाली मनाली चलो दोनों, इसने तेरा सही बताया मनाली। नहीं गलत। तो सही आंसर क्या है पहले वो बता। गोवा होगा। अबे गोवा यार ऐसी जगह है, अभी तो इतने बड़े सपने भी देखे नहीं है। अच्छा ये हाँ। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है अभी बजट के हिसाब से। इसने तेरा मनाली सही बताया, मुझे लगता सही होगा। मेरा तो क्रिसमस इन इटली।
क्रिसमस इन इटली ऐसा कहते हैं, ये कभी बात ही नहीं हुई आज तक हमारे बीच में। न्यूयॉर्क वगैरह बोलता तो ट्रीज इतनी प्यारा वो बनाती है क्रिसमस। अच्छा तो ये तुम्हारी बात नहीं हुई कभी? कभी आज तक ये हमें घंटा उसको बताने की बात नहीं कर रहे करते हैं, पर हमारे औकात के हिसाब से इतना पैसा है तो इतनी जगह जाना है बस उतना ही चलता है। चलो मतलब ये दोनों गलत हो गया है ना, चार क्वेश्चन हो गए हैं, इसके तीन पॉइंट हैं और तेरे कितने हैं? दो। अरे यार चलो कोई बात नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज समथिंग यू कैन नॉट लिव विदाउट? तेरे हिसाब से जितना तूने ऑब्जर्व किया उस बेसिस पे बता दे। चल फोन मत बोलना, बहुत ही वो हो जाएगा, इवेंचुअली हो जाएगा वो आंसर। सोच ले, तुझे लगता है तुझे पता है? देखो हाँ वो आंसर मत देना। हाँ वो बस बस दूसरा पहले तू दे। हाँ चल ठीक है, बाहर का खाना। बाहर का खाना मतलब स्ट्रीट फूड बोल रहा है या ऐसे रेस्टोरेंट टाइप? पूरा बाहर का स्ट्रीट फूड, बाहर मतलब ऐसा कह रहा है कि घर का खाना इसको बोल दे तो ये नहीं नहीं कर पाएगा। हां इसको बाहर का खाना। चल ठीक है, तूने आंसर लॉक कर दिया। अरे मुझे खुद का नहीं पता इस वाले का यार। नहीं तो वो आंसर दे तो उस बेसिस पे बोल देना चाहे फिर भी सही है कि नहीं। ठीक है चल, जिम का बोल सकता हूं। जिम करे बिना मतलब ऐसा एक दो दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगा ये, ऐसा हो रहा है अभी। अच्छा अभी हो रहा है अभी। अच्छा रिसेंट में बोल सकता है। एक दो हफ्ते के बाद भाई में चलती नहीं यार, चलते हैं करते हैं। अच्छा ज्यादा गैप लेने का गैप नहीं हो पाता है। और सही उसने खाने का सही दिया, क्योंकि दिन में मैं एक बार तो बाहर का खाता ही हूँ अभी। रोज रोज कुछ ना कुछ हो रहा है, मतलब उसको पॉइंट दे रहा है। और इसने सही बोला है कि नहीं मुझे नहीं पता यार, मुझे जेन्युइनली इसका आंसर नहीं समझ आ रहा। तो भाई नहीं मतलब जिम तो नहीं होगा यार, जिम कैब अभी दो तीन हफ्ते चार हफ्ते के लिए छोड़ दिया, तो फिर भी एक स्पेसिफिक आंसर होगा। या फिर पॉइंट नहीं दे रहा है तो फिर आंसर बता दे, या फिर पॉइंट दे दे उसको। पढ़ाई, पढ़ाई के बिना व्हाट इज समथिंग यू कैन नॉट लिव विदाउट? तो पढ़ाई के बिना मर जाएगा। मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ नया सीखने का मेरा रहता है। अच्छा। मतलब कुछ ना कुछ पढ़ते रहो या फिर कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन। ट्रेडिंग, हाँ ट्रेडिंग हो सकता है। ट्रेडिंग इज वन ऑफ द थिंग जो मैं बिल्कुल आई कैन नॉट लिव विदाउट। मुझे ऐसा है कि मुझे इसमें दिमाग रहता ही है। अच्छा तो देख ले, अब तेरे को पॉइंट हर चीज के नहीं दे रहा था, तू भी बात है। लेकिन ये वाला पता था, ये वाला बहुत क्लोज था, ये वाला तू बोल सकता था। ट्रेडिंग वाला बोल सकता था, पर मैंने सोचा कौन क्लिक नहीं हुआ एकदम। हां नहीं सोचा। ठीक है चल ठीक है, अब मतलब ये समझ गया, अब तो थोड़ा डीप सोचना पड़ेगा। अब एकदम अच्छे से हो रहा है। पांच क्वेश्चन हो गए, दे रहा है अब तू, मैं तो लाइटली ले रहा था। पांच क्वेश्चन हो गए, इसने तीन सही दिए। अबे वो मेरे चार हो गए। चार कहां, ये वाला सही थोड़ी, मेरा चार ये वाला सही है। चार हो गए तेरे, दो ही है। अरे यार इसके दो गलत करवा तू, पता ये क्या लौंडिया बाजी है। चलो सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। इफ यू आर गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप, व्हाट इज द फर्स्ट सॉन्ग यू वुड प्ले? मतलब इसके पास अगर मोबाइल है, ये गाने बजा रहा है, पहला गाना ये कौन सा बजाएगा? और तू बता ये पहला गाना कौन सा बजाएगा? या फिर कौन से आर्टिस्ट के पहले गाने बजाएगा, या फिर किस टाइप के? थोड़ा तू बता पहले। ये तो पता होना चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे मेरे से पूछता अंचल किस टाइप के, तो मैं बता देता कि अंचल चलिए गाना। कोई नहीं बता सकता मेरा तो, क्योंकि मेरा बहुत गंदा होता है। वही चालू तो फिर जरूर कुछ भी बचते नहीं। अच्छा हाँ ये तू आंसर इसका दे देगा सीधे मौत। तू इसका आंसर दे यार, मैं क्या बोलूं। चल मैंने तुक्के से बोला तो था एक बार, ये जो मतलब आंसर है ऐसे बोला है उसको मैंने कुछ टाइम पहले। इसका आंसर मैं इसका दे सकता हूँ भाई, आप दो इसका आंसर। मुझे तो बहुत नहीं, नहीं, नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। नहीं नहीं नहीं, एक बार मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था। मैं एकांश, सार्थक, हम तीनों थे, हम लोग एकांश कार से कहीं जा रहे थे, और मैंने सार्थक से ही पूछा कि पता है अगर बच्चा होता तो पहला गाना कौन सा बजाता। और किस्मत से जाते जाते गेट में बच्चा मिल गया था, और वो आगे बैठ गया, फिर इसने गाना बजाया। तो पहला गाना इसने वही बजाया जो मैंने बोला था, सिद्धू मूसेवाला का कोई गाना था, तो मेरे हिसाब से वो पहले ये बजाता। अब हो सकता है चेंज हो गया हो, तो मैं तू आंसर दे। मैं भी सीधे मौत ही बोलता, मतलब नहीं यार वो सीधे मौत का सुनता ही नहीं है। सोच ले सोच ले, वो रैप पे तो साइड तो है ही नहीं इसका, तो कोई उल्टा गाना या फिर क्या बोलते कुछ भी बजाते वैसा कुछ सोच ले। उल्टा गाना जो भी बन रहा है बोलते, मेरा तो एक स्पेसिफिक है जो मेरे दिमाग का गाना है। हाँ कि यही बजाएगा या फिर इस आर्टिस्ट के बजाएगा। अरे अभी कुछ टाइम पहले यार उसको बोला है, सेम गाना बताया था यार। रिसेंट जाएंगे तो बजाऊंगा। वो उसका गाना नहीं था क्या यार? सीधे मौत ही बजाएगा पहले, बोला छह में से उसके पांच सही हो गए। उसने बोला दस में पांच करूंगा, छह में पांच कर दिए। तेरे ना बाकी के पांच चार दो सही है।
बाकी चार मेरे दो सही है भाई, तूने सेलिब्रिटी सही बताया है और दूसरा क्या सही बताया, ऑर्डर सही बताया बस अभी तक उसका। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं अपन। सेवेंथ क्वेश्चन, इफ यू कुड हैव एनी सुपर पावर व्हाट वुड इट बी? यार ये तो बहुत मुश्किल है यार ये। बता अगर इसके पास कोई सुपर पावर होती या फिर उसके पास चांस होता कोई भी एक सुपर पावर पिक करने का, कौन सा सुपर पावर ये पिक करेगा? ये बहुत इजी से बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इजी भी कह सकता है, डिफिकल्ट भी कह सकता है, एनीमे का भी हो सकता है, मूवी का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सीइंग द फ्यूचर, फ्यूचर टाइम ट्रेवल मतलब बेसिकली। हाँ मतलब टाइम ट्रेवल मे बी। अच्छा चल ठीक है, सोच ले पहले तू भी क्या क्या लग रहा है तेरे को, कुछ एक ऑप्शन दे, ये लग रहा है ये हो सकता है ऐसा कुछ। मुश्किल है मेरे लिए बताना, माइंड रीडिंग हो सकता है या कुछ हो सकता है। माइंड रीडिंग हो, माइंड रीडिंग या फिर क्या बोलते हैं टेलीपोर्टेशन हो गया या फिर इनविजिबिलिटी हो गया। चल जो पहला थॉट आ रहा है मन में कि ये हो सकता है, माइंड रीडिंग। चल ठीक है फाइनल आंसर, तेरा फाइनल आंसर क्या था? फ्यूचर देखना। फ्यूचर देखना, चलो ठीक है ये सही दिया है। ये तो बहुत अच्छा नॉर्मल सा है ना ये फ्यूचर देखना, तो वो तो सभी एक बार को देखते ही मतलब ऐसा सोचते ही है। सुपर पावर की बात कर रहा हूं, सही है। तुझे ऐसा ही लग रहा है, तू ज्यादा आसानी से पॉइंट दे रहा है और वो तेरे अच्छे से नहीं दे रहा है। मेरा भी सीइंग द फ्यूचर भी होगा बट अच्छा एक सॉलिड आंसर अगर देना होता तो क्या देता वैसे अपने हिसाब से? सीइंग द फ्यूचर, फ्यूचर देखना। बट ठीक है ये भी मेरा ऐसे दिमाग में रख, ठीक है ये भी सही है। अच्छा सात में से तूने इसके सिक्स आंसर सही दे दिए और तूने कितने दिए? तीन। सात में से अगर तूने यहाँ से तीन कवर कर लिए और उसने तीनों गलत दे दिए तो तुम लोग इक्वल कर जाओगे। नहीं नहीं इक्वल हो जाएंगे। ठीक ठीक है, क्या लगता है अगले के तीन बता पाएगा? इजी। चल अब तू पैसे पैसे की बात कर रहा है, तेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। व्हाट वुड यू डू इफ यू हैड अनलिमिटेड मनी? अरे इसके बाद अंधा पैसा होगा तो क्या करेगा? ये इजी भी है लेकिन डिफिकल्ट भी है यार। अब तुम लोग ऐसा मत बोलिए, अंधा पैसा होगा तो फिर क्या नहीं करेगा, ये बात है ना। पहली चीज सबसे पहले क्या करेगा ऐसा पूछना चाहते हैं? पहली चीज सबसे पहले क्या करेगा? इजी है मतलब कोई भी फ्लाइट या फिर प्राइवेट जेट बुक करके दोस्तों के साथ घूमने जाएगा, कोई बढ़िया सी ट्रिप, मतलब अच्छी ट्रिप मारेगा दोस्तों के साथ। दोनों का सेम है, दोनों का ही सेम है। एक दूसरे के आंसर क्यों दे रहे हो भाई? उसको बताने देना था ना फाइनल आंसर तेरा क्या? ट्रैवल। हाँ और दोस्तों के साथ ट्रैवल मतलब अंदर वैसा अंदर का कल पर लगा चल भाई चलो कहीं भी कैसे भी। हाँ, अच्छा एकदम लग जाएगा। चलो ठीक है ये तो थोड़ा वीडियो का टाइप क्वेश्चन हो गया, दोनों ने वो सेम आंसर दे दिया। ठीक है एट क्वेश्चन हो चुके हैं तेरे, छह सही है, कितने चार सही है, सात सही है ना आठ में से। चलो ठीक है मतलब तू जीत तो नहीं रहा, जितना तो है ठीक है। जीत ठीक है दी जी। तो भाई तुम लोग बात क्या करते हो यार आपस में, एक दूसरे को डोंट लाइक अबाउट ईच अदर? तुझे इसकी कौन सी आदत जो पसंद नहीं है और तुझे इसकी नहीं पसंद है, ये है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अबे तो ये तो तू क्या पूछ रहा है, मतलब मेरे को जो लगता है कि इसको जो नहीं पसंद। हाँ 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 तुझे नहीं, तू बता नहीं पसंद तुझे इसकी आदत नहीं पसंद वो बता, ओवर कॉम्प्लिकेट मत कर। अबे तो ये तो कोई गलत सही वाला आंसर ही नहीं। नहीं हाँ मैं समझ गया तू आंसर दे बस। ये फैल जाता है मतलब एंड में कहता है अच्छा कहाँ आना है क्यों आना है, मतलब जब सब प्लान हो गया सब हो गया कि हम 5 बजे जैसे आज ही 5 बजे मिलना था, हाँ क्यों मिलना करता है वैसा। ये तुझे आदत खराब लगती है? हाँ सबसे खराब लगती है, खराब लगती है। चल ठीक है तू बता इसकी कौन सी आदत खराब लगती है? कि चीजें पहले बना लेता है फिर बोलता है नहीं यार रहे तो इसको छोड़ते हैं हटाते हैं, मतलब प्लान बहुत सारा करता है एग्जीक्यूशन नहीं करता है पाते पूरे प्रॉपर तरीके से। ये तो इसकी सबसे खराब आदत लगती है। हाँ अच्छा कह सकते और जो इसने बोली है तेरे हिसाब से सही में तेरी खराब आदत सही है? मतलब मैं जानबूझ के करता हूँ वो चीज में प्लान कैंसिल कर अच्छा तेरा मन नहीं रहता तो पहले कहता है ठीक है फिर बार बार पहले बोलता हाँ मैं तो आ ही जाऊंगा मैं कहाँ फैलूंगा, फिर जब भी एंड में आता भाई नहीं हो पाएगा यार। अच्छा
और तू बता इसको क्या सही है सही है सही है क्योंकि मैंने बहुत प्लान बना रखे यार मतलब आगे का कुछ ना कुछ प्लान बनाता हूं अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता लेकिन फिर लोग ही बेकार लोगों के वजह से नहीं हो पाता लोग बेकार नहीं हो पाता लेकिन लोग ऐसे हैं कि नहीं हो पाता तो गोवा तक का सोचोगे तो कहां हो पाएगा भाई होगा बड़ी होगा यार पॉसिबल होगा गाइस ठीक है 9 क्वेश्चन हो चुके हैं और इस पे 8 सही आंसर दे दिए और कंपैरेटिवली भाई ने कितने सही दिए 5 क्या यार मेरे को उम्मीद थी कि तू कम से कम इसको बराबर तो करेगा यार पता नहीं लास्ट क्वेश्चन है कितना कॉन्फिडेंट है 100% पक्का बता देगा तू कितना कॉन्फिडेंट है वैसे इतना बता दिया 50% चलो ठीक है इफ यू कुड वैसे ये आंसर वैसा नहीं है थोड़ा सा मजेदार वाला क्वेश्चन है लास्ट है तो फट भी रही है पॉइंट से जज होगा कि दूसरे को एक दूसरे का आंसर कितना पसंद आता है इफ यू कुड गिव ईच अदर अ निकनेम व्हाट वुड इट बी यार वो बीप लग जाएगा यार मतलब चल ठीक है मैं लगा दूंगा बीप लगा दूंगा नहीं तू पहले बता इसको अगर तू निकनेम दे सकता है अपने मन से कुछ भी एक मैंने रखा भी है तल्ला वो बताता हूँ क्यों रीजन भी बताता हूँ क्योंकि चीजें सॉर्ट करवाता है लोगों के बीच क्या रखते हो इसलिए नराली कर लेता अच्छा ऐसा बोल रहा है तो मतलब चीजें गलत होती है सॉर्ट करवा देता है ये चीजें बस अच्छा इसलिए तल्ला रख रखा है और रजत दलाल का भी रेफरेंस है इसलिए नहीं रेफरेंस कुछ नहीं है वो पहले से रख रखा था अच्छा और इसका नाम पुसी रखा हुआ है और वो मेरे स्टेट उस पे भी लगा हाईलाइट पे भी पुसी लिखा है इसका नाम रीजन पीयूष पीयूषी सर इसको पुसी कहते हैं ठीक है भाई कट हो जाएगा वो तो ठीक है सही तेरे को इसका आंसर सही लगा कि या तुझे लगता है कि नहीं यार तू अच्छा बेटर नेम डिजर्व करता है तो दे सकता था पर ठीक है वो बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं जैसे मेरे चैनल का नाम है वैसे भी वो बोलते हैं मतलब हो गया तो मतलब तेरे को ठीक है दिक्कत नहीं लगती एक्सेप्ट कर लिया तूने मतलब कर लिया है और क्या यार चल ठीक है और इसका तेरे को आंसर सही लगा हां बिल्कुल सही है बहुत लोग बोलते हैं लेकिन यार पता क्योंकि ये तो तुम बोलते हो तुम दे अभी दे सको एक दूसरा निकनेम तो वो क्या होगा वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से ये तो दे रखा है तुमने नहीं ऐसा कुछ मेरे दिमाग में तो नहीं मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है नहीं ये चैलेंज चेंज हो तो अच्छा मतलब यही जब ठीक है सब बोलते हुए आ रहे हैं तो पहले से बोलते आ रहे हैं तो यही बैठा है चलो ठीक है आफ्टर 10 क्वेश्चंस तूने कितने सही दिए 9 बहुत वो वाली बात हो गई भाई 10 में से ना वो तेरे को कितना अच्छा से जानता है मतलब वो तेरे को ऑब्जर्व करता है और तूने 10 में से कितने दिए 6 ठीक है इसलिए देख 4-5 बोला था उससे तो अच्छा ही कर दिया है लेकिन फिर भी मैं 7-8 एक्सपेक्ट कर रहा था वो इसलिए छोड़ रहे कुछ गलत बोलने वाला था अच्छा नहीं ठीक है वैसे किस टाइप के क्वेश्चंस अगर होते तो तू ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाता 10 में से 8 बता देता मान ले कैसे टाइप के क्वेश्चंस के आंसर दे पाता यहां पे खुल पाता मैं खुला अभी भी हूं हां पर एक फिल्टर लगा है वो आपको भी पता होता है हां चलो ठीक है तो वो चीजों के बाद थोड़ा खुल जाता हूं ठीक है 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं अब अपना सेकंड राउंड होगा जहां पे होगा रोल्स रिवर्सल जिसमें से मैं इसको एक चांस दूंगा 3 क्वेश्चन इससे पूछने के और इसको एक चांस दूंगा 3 क्वेश्चन इससे पूछने के ओके सो पहले फ्यूचर स्टार्ट करते हैं तेरा फर्स्ट क्वेश्चन इसके लिए क्या है जैसे मैं बहुत ऐसा कपड़े पहनता हूँ ऑनलाइन बहुत लेता हूँ हाँ तो देखो क्या लगता है ऐसी मेरी फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड या मैं बहुत ज्यादा पहनता हूँ उसको फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड या फिर स्टोर या फिर वैसा कुछ टाइप में इसका आंसर तो मैं भी दे सकता हूँ भाई और मैं इसका इतना टाइम स्पेंड भी नहीं करता हूँ नहीं नहीं तू H&M सोच रहा है H&M से तो मंगाने ही बंद कर दिया हो गया मेरा मन उठ गया था उससे H&M थोड़ी है बता क्या हो सकता है मतलब यहाँ तक कि अंशुल भैया से बात भी हुई उस बारे में अच्छा अरे मुझे पता है उसका मेरे को नाम नहीं याद है वो ब्रांड का मुझे पता है वो कैसी टी शर्ट बनाती क्या वो सब पता है मुझे Z-Wed से कुछ नाम है नहीं अरे यार उसका नाम भूल गया अभी नहीं उसको वो दे देते फिर बताना सही है गलत याद दिला दूं अपन एक बार वहां बैठे थे तब अरे चाय पी रहे थे जब है ना बहुत ज्यादा बात हुई थी उस स्टोर के बारे में अरे मुझे पता है बहुत अच्छे से पता है यार ऐसा क्या नाम नहीं याद है मुझे ठीक है बिल्कुल भी नहीं नाम चल भूल गया गिव अप नाम ओल्ड स्टोर तो नहीं होगा सोल्ड स्टोर हां सोल्ड स्टोर फेवरेट नहीं भाई मुझे दूसरा लगा दूसरा कौन सा है सारा सोच रहा है उसने नहीं यूनिक्लो अरे सारा जूडियो यूनिक्लो नहीं यूनिक्लो कह रहा हूं नहीं अच्छा मतलब फिलहाल अभी जितने मेरे को सबसे ज्यादा कपड़े हैं वो उसी के अच्छा सोल्ड स्टोर सही है भाई पहला कैसा सोल्ड स्टोर वीडियो चल रही है चलो ठीक है सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन तू तेरा इससे पूछ चल व्हाट इज वन थिंग आई हेट दैट एवरीवन डस व्हेन वी गो आउट अपन कहीं घूमने जाते हैं कौन सी एक चीज जो सब लोग करते हैं जो मुझे बिल्कुल ही पसंद कि पहले प्लान वैसा बना रहता है पर एंड में जाके चीजें अलग हो जाती है जैसा एक्सपेक्टेशन रहती है वैसे अच्छा जो तुम लोग सोच के जाते हो डिसाइड करके वो नहीं हो पाता तो वो इसको पसंद नहीं आता एक दिन के दो दिन के हिसाब से बहुत ज्यादा चली जाती है हमारी वो चीजें नहीं हो पाती क्लियर एक दो दिन में सही आंसर है नहीं
अबे उससे भी घटिया चीज है एक जो बिल्कुल ही वैसा मैं लोग लेट आना हूं। हाँ लेट आना यार, ये तो सब ग्रुप में होता है यार। कहता हूँ तो कि 5 बजे मिलना है तो 4:59 में मिल जाना बस। तो ये लोग भाई हमेशा सोचता है कि अगर 5 बजे का इसने टाइम दिया है तो सब 5 बजे ही आ जाए, ये कौन ही करता है प्रॉपर। और फिर कहते हैं 2 मिनट लेट होगा, 3 मिनट लेट होगा, मतलब वो मुझसे किसी भी ग्रुप में नहीं होता होगा ये तो यार, नहीं कहीं नहीं होता। लेकिन ये चीज मुझे भी खराब लगती है दूसरा भाई कि टाइम पे नहीं आते हैं जो लोग। ठीक है, जब मेरे को कुछ खाने का मन हो और बढ़िया सा खाना हो क्या खाऊंगा। अच्छा ऐसे रैंडम एक जो बहुत मेरे को अच्छा लगता है प्रेफरेबल हिंट चाहिए तो हिंट भी दे। नहीं नहीं अबे फिर तो फूड में क्या है। ठीक है भाई, ठीक है बिरयानी क्या सकते हैं। बिरयानी मतलब तेरे को फोन लगाया भाई कुछ भूख लग रही है, बिरयानी खाने चलते हैं। हाँ मतलब हम नॉर्मली हम वही तो मैं बोल रहा हूँ, फूड के बारे में पूछेगा तो हमारा बहुत अनएक्सपेक्टेड रहता है, हम कुछ भी खा लेते हैं ऐसा। बल्कि सबसे ज्यादा तेरे को फूड का पता होगा, तुम लोग सबसे बाहर खाने ही जाते हो। पर यार हम ऐसा चल फाइनल आंसर शुरू हो सोया चाप। पक्का? हाँ सोया चाप सही है। हाँ सोया चाप चल ठीक है, एक पॉइंट मिल गया तेरे को। अब तो बोल, थोड़ा उसमें है कंट्रोवर्सी लेकिन सोया चाप मेरा बिरयानी सही था वैसे। नहीं नहीं बिरयानी चिकन ट्विस्टर और पर तो चिकन ट्विस्टर मेरे साथ कहाँ खाया तूने? एक बार खाया, एक बार खाया। ठीक है ठीक है ठीक है। रोमा सेकंड क्वेश्चन पूछ। अब देखो क्या लगता है मैं फ्यूचर में क्या करूंगा? बिजनेस खोलेगा। किस चीज का? अब वो देख डिपेंड्स करता है, एक तो ऑटोमोबाइल में ही कुछ ना कुछ खोलेगा लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंडेबल बड़ा होगा। वो चीज़ तो एक मैं कंटिन्यू तो वो करने वाला हूँ। हाँ तो वही वो करना है उसको आगे चल के कि बड़ा कोई बिजनेस खोले लेकिन ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल से रिलेटेड। सही है सेकंड क्वेश्चन दोनों का सही चुका है, एक एक पॉइंट हो चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चल तू पूछ तेरा। हाँ पूछ उससे पूछो पहले, मैं भूल गया तुम्हारे काट के लिए। ठीक है ठीक है, मुझे याद है क्या पूछने वाला था। मेरा भी यही क्वेश्चन था, व्हाट इज माय ड्रीम टू बिकम वन डे। अच्छा ड्रीम जॉब या फिर गोल लाइफ में वैसा प्रोफेशनल गोल। अंतर भी तो होता था क्या? मुझे भी बता चल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पता है मैं यूज कर सकता हूँ आगे। यार बहुत मुश्किल क्यों लग रहा है मुझे, बहुत इजी सा आंसर। कैसे भाई इतना टाइम एक दूसरे के साथ बैठते हो ऐसे सड़े सड़े सवाल? नहीं भाई मेरे 10 दोस्तों बैठा मैं सबका बता दूंगा। नहीं पता यार मुझे। फिर भी एक कुछ चल, एक कुछ एक बेसिक ही बता दे चल। कुछ भी नहीं पता क्या एकदम कुछ? क्या चल इसको इस चीज में इंटरेस्ट है तो ये परस्यू कर सकता है करियर वाइज आगे या वैसा कुछ? भाई को ट्रेडिंग का शौक है पर वो मुझे नहीं लगता है एकदम प्रॉपर तरीके से करेगा वो। तो मतलब एकदम प्रोफेशनली ट्रेडिंग 100% नहीं जाएगा वो, तेरे को ऐसा लगता है? जा सकता है, मुझे लगता है 100% भी जाएगा पर फिर भी वो साइड ही रहेगा। तो मेन क्या रहेगा वो तेरे को आंसर देना है। मतलब आज से 10 साल बाद कोई मुझे क्या करता है तो बता दे हाँ ये करता हूँ, वो वाली चीज बतानी है तेरे को। मैं तो 100% ट्रेडिंग की और चल ट्रेडिंग पे कटिंग सिंह बता रहा है ट्रेडिंग। चल बहुत इजी था, मैं बिजनेस ही करूंगा मैं ऑब्वियसली। तूने आज तक नहीं बोला मुझे प्रॉपर बिजनेस करना है। अबे मैंने कितनी बार बोला है? नहीं बोला तूने भाई, मेरे को भी आगे चल के बिजनेस। व्हाट डिसअपॉइंटेड हो भाई? अपैरल्स वगैरह इन्हीं में ही कुछ ना कुछ करना। अच्छा अपैरल साइड आर्टिस्ट को एक एक्सपेंड करना है मतलब? आर्टिस्ट को नहीं वो तो दूसरी चीज है लेकिन बाकी और किसी को भी, लेकिन आगे चल के काफी सीखने के बाद। अच्छा चल तेरा फाइनल क्वेश्चन। अब बताओ मैं क्या पूछूं? बाइक वही था ना? मतलब इस बाइक के अलावा तुझे कैसे कौन सी लगती है जो मुझे फ्यूचर में चाहिए मेरे पास? फेवरेट बाइक? हां फेवरेट बाइक जावा को छोड़, मतलब जावा बोल रहा सॉरी वो हंटर 350 को छोड़ के। मेरी नहीं पूछ रहा हूं मैं तेरी, मेरी बता। मुझे ऐसा लगता है वाला तो। अच्छा बहुत इजी, ये भी सही। सेकंड क्वेश्चन दोनों का सही था, थर्ड क्वेश्चन इसने गलत बोला, इसने सही बताया फिर सही भाई। इसने 3 में से 2 बता दिया, इसमें 3 में से 1 ही बताया भाई। क्या हो रहा है भाई तुम्हें बैठ के कुछ आराम सीरियस बात करने की थोड़ी सी जरूरत है पता? हमारी सीरियस बात भी बकचोदी में ही निकल जाती है, बस ये दिक्कत है हमारे साथ। एक दूसरे का मतलब इतना इतना कितने साल से दोस्ती चल रही है तुम्हारी? बोल दे एक सेकंड कितने साल से दोस्त है? तू टाइप कर फिर मैं देखता हूँ इनका सही होता है कि नहीं। लिख लिख कितने साल से दोस्त? आइडिया नहीं है यार, तुम तो सोच रहे हो। तू बता जानते हैं और दोस्त मतलब दोस्त हो कितने साल से? मतलब देखो ऐसे स्कूल में सब एक दूसरे को जानते हैं लेकिन साथ में हमने बकचोदी जादू करी थी
लॉकडाउन नहीं है नहीं नहीं तो दोस्तों स्कूल से टाइम बहुत खराब ऐसे हो ना जाना तो बता तू बता दे भाई क्या छह पाँच साल बस क्योंकि देख हम लोग बहुत टाइम से दूसरे को जानते हैं मतलब ऑलमोस्ट सेकंड थर्ड क्लास से जानते हैं लेकिन नाइन्थ एट्थ क्लास में मेरी और पीयूष की हाँ हमारी काफी बात होने लगी थी क्योंकि वो लॉकडाउन भी लग रहा था और स्कूल में मिल रहे थे फिर लॉकडाउन में हम क्रिकेट खेल रहे थे नहीं मैं बताता हूँ कैसे दोस्ती थी अगर पूरे स्टडी बताओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा हम लोग किसी और दिन किसी और हम लोग साथ में बंक करते थे बस इसलिए दोस्ती हमारी हुई थी ये कह सकते हो और वो ग्रुप में हम लोग बहुत दोस्त थे लेकिन अच्छा बहुत बड़ा अच्छा सा हमारा बहुत बड़ा ग्रुप हां लेकिन वैसे जानते तो बहुत पहले से ना 10 12 साल हो गए होंगे जानते बहुत फिर भी भाई इतने सालों की दोस्ती होने के बाद भी भाई छह क्वेश्चन सही नहीं दिए जा रहे थे इससे भाई नहीं होता यार इतनी चीजें नोटिस नहीं करता मैं तो चलो ठीक है कैसा रहा भाई आज की वीडियो का एक्सपीरियंस बहुत अनएक्सपेक्टेड था भाई मतलब पढ़ रही थी पहले इसको बताया नहीं था कि वीडियो क्या होने वाली है आ जाना एक काम आ जाना वीडियो बना आ गया और उससे वीडियो शूट करवा ली और तेरा एक्सपीरियंस कैसा था वीडियो का मेरा तो बढ़िया है मुझे तो आइडिया था कि मैं वैसे भी स्कोर कर ही लूंगा मुझे थोड़ा दिमाग में रहती है अच्छा अब गोइंग फॉरवर्ड क्या तुझे लगता है कि अब थोड़ा वैसे टाइप की बात होंगी कि आगे अगर मैं ऐसा रैंडम वीडियो बनाऊं तो हमारी वाइफ भी वैसी नहीं है अच्छा नहीं हो पाती हमसे बात ही नहीं हो पाती दो मिनट काम बात होगी नहीं होती है अगर होती है तो बकचोदी चलती रहती है चलो ठीक है भाई आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं आप लोग कमेंट करके बताना कि इन दोनों के बेस्ट फ्रेंड टेस्ट में ये दोनों पास हुए हैं या फेल हुए हैं मुझे तो लगता है भाई दोनों फेल हो गए हैं क्योंकि अगर मैंने अगर अच्छे क्वेश्चन छाटे होते हैं अभी तो मैंने सिचुएशनल बेसिस पर क्वेश्चन दे दिए अगर वैसे एकदम स्पेसिफिक होकर जाता तो मुझे लगता है दो तीन से ऊपर भाई बता पा रहा था जैसा इनका हाल है यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन बाय बाय